लिटिल स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक हैं, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर वीडियो। एंड अगेन आई एम कम बैक विद सब्जेक्ट हिंदी। ओके बच्चों, एक बार फिर से हम मिल रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के साथ और ग्रेड 3। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे शब्दों का अभ्यास और हमारा दूसरा टॉपिक है वाहन के नाम। ओके बच्चों, तो शब्दों का अभ्यास भी हम देखेंगे और आज हम कुछ वाहन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रेडी हो आप? ओके बच्चों, तो अच्छे से रेडी हो जाओ शब्दों का अभ्यास करने के लिए और कुछ वाहन के बारे में जानने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको देखना है चित्र। ओके बच्चों, यहाँ पे एक तस्वीर आएगी, मतलब एक चित्र आएगा और सबसे पहले आपको ध्यान से गौर से देखना है कि ये क्या है। ओके बच्चों, अंदाजा लगाना है और वो चित्र देख के हमें वो चित्र का नाम लिखना है। ओके बच्चों, रेडी हो आप चित्र को पहचानने के लिए? ओके, चलो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले देखो ये चित्र, बच्चों ध्यान से देखो, गौर से देखो, आपको क्या दिख रहा है? यस, ये एक घड़ी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घड़ी। ओके बच्चों, घड़ी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हाँ, यहाँ पे कलाई घड़ी होती है, दीवार घड़ी होती है, वैसे ही ये टेबल घड़ी है ना, टेबल पे रखने के लिए अलार्म क्लॉक। यस, चलो अब बारी है दूसरी तस्वीर की। ये देखो बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? ये एक पक्षी दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन है ना, हरे रंग का। जो हरे रंग का ये तोता है, तो ये तस्वीर के नीचे क्या आएगा? तोता। ओके बच्चों, तोते की तस्वीर थी तो हमने लिखा तोता। चलो बच्चों, अब बारी है दूसरी तस्वीर की। देखो ये आपको क्या दिख रहा है? चलो ध्यान से देखो, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है भाई, ध्यान से देखो बच्चों। बच्चों आपको देख रहा है कि कुछ सख्त दिख रहा है ना, और कुछ धागे जैसा भी दिख रहा है, रुई जैसा। नारियल है बच्चों, तो हम लिखेंगे इसके नीचे नारियल। ओके बच्चों, ऊपर से सख्त होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है। फिर देखो अब ये तस्वीर, आपको क्या दिख रहा है बच्चों? पहले ध्यान से आप नोट करो कि भाई उसके हाथ में क्या है, उसके कंधे पे कुछ थैला लगा हुआ है और वो थैला रेड कलर का है और हाथ में कुछ चिट्ठिया वगैरह सा है ना। तो ये कौन करता है भाई, ऐसे ऐसा व्यक्ति कौन है? यस बच्चों, आपने सही समझा, ये है डाकिया। डाकिया यानी गुजराती में टपाली, जो सबको डाक बांटता है ना, जो दूर लोग रहते हैं तो वो दूर जब एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाते तो वो चिट्ठी भेजते हैं, तो वो चिट्ठी हमें अपने घर तक पहुंचाता है, कौन? डाकिया। ओके बच्चों, चलो अब देखो ये तस्वीर, क्या दिख रहा है आपको? तो बच्चों आपको एक प्राणी दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा प्राणी है? यस, सही समझे आप, ये एक बकरी है और बकरी एक पालतू प्राणी है। बकरी से हमें कोई नुकसान नहीं है तो बकरी को हम पाल सकते हैं, तो ये एक पालतू प्राणी है। अब देखो बच्चों ये तस्वीर, ये भी एक प्राणी ही है ना बच्चों, ये भी एक प्राणी है लेकिन कौन सा प्राणी है? यस, ये घोड़ा है, तो हम इसके लिखेंगे घोड़ा। ओके बच्चों, चलो आप देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? ये जो आप अभी यूज कर रहे हैं, वो बारिश की सीजन चल रही होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? छाता का। तो ये है छाता। तो बच्चों अब देखो ये तस्वीर, क्या दिख रहा है आपको? तो चूहा। तो ये एक चूहा है ना, छोटा सा। यस, अब देखो ये तस्वीर, ये क्या है भाई बच्चों? तो ये एक
ताला है, जब भी हम घर के बाहर जाते हैं तो घर में सेफ्टी के लिए हम बाहर से घर लॉक करके जाते हैं, तो वो एक ताला है। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स ये तस्वीर अब ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है? यस, सही समझे, ये एक धनुष है। बच्चों पुराने ज़माने में भगवान श्री राम धनुष का उपयोग करते थे और पुराने ज़माने में योद्धा भी इसका इस्तेमाल करते थे, तो ये एक धनुष है। सो स्टूडेंट्स अब देखो ये तस्वीर, क्या दिख रहा है आपको? यस, ये तो एक पक्षी है, लेकिन कौन सा पक्षी है? यस बच्चों सही समझे, ये एक मोर है जो अपनी मीठी आवाज़ में गाता है और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो ये मोर है। स्टूडेंट्स देखो ये तस्वीर, ये क्या है? सो स्टूडेंट्स ये गिलास है जिसमें हम पानी पीते हैं। स्टूडेंट्स अब देखो ये तस्वीर, ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है? सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फल का चित्र है, लेकिन ये कौन सा फल है? तो ये अनार है जिसमें लाल लाल रसीले दाने होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अनार है। स्टूडेंट्स देखो ये तस्वीर, आपको इसमें क्या दिख रहा है? यस स्टूडेंट्स ये भी एक फल ही है, लेकिन कौन सा फल है ध्यान से देखो। यस सही समझे, ये एक तरबूज है। ओके बच्चों, गर्मियों की ऋतु में ये आता है और लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं, तो ये एक फल है और उसका नाम है तरबूज। बच्चों चलो अब ये देखो तस्वीर, चलो चलो जल्दी से पहचानो ये किसकी तस्वीर है। यस ये एक पतंग है, आपकी मनपसंद चीज़ है ना, उत्तरायण पे आप लोग इसे बहुत उड़ाते हो और इसे आपको बड़ा ही लगाव है। यस तो ये एक पतंग है। बच्चों इसे देखो ध्यान से, ये किसकी तस्वीर है? आपको इसमें क्या दिख रहा है? एक बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये बॉक्स तो नहीं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये एक रेडियो है। रेडियो यानी पुराने ज़माने के लोग मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करते थे। जैसे हमारे पास अभी टीवी है, वैसे पुराने ज़माने में सबके पास रेडियो था। दृश्य नहीं लेकिन आवाज़ सुनाई देती थी जिससे सबका मनोरंजन होता। स्टूडेंट्स देखो अब ये तस्वीर, इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो ये एक डमरू है, भगवान शिव भी इसे बजाते थे। ओके बच्चों ये दोनों साइड से बजता है और ये एक डमरू है। स्टूडेंट्स चलो अब देखो ये तस्वीर, चलो ध्यान से देखो बच्चों आपको इसमें क्या दिख रहा है? यस ये एक चारपाई है, चारपाई यानी हमारे सोने के लिए। ओके बच्चों ये एक पलंग है, बच्चों इसे पलंग भी बोलते हैं और चारपाई भी बोलते हैं क्योंकि उसके चारपाई है। ओके बच्चों कि जिसमें हम सोते हैं आराम करते हैं, तो ये एक पलंग है। स्टूडेंट्स देखो अब ये तस्वीर, आपको इसमें क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो ये एक ईंट है। क्या है बच्चों? ईंट। ईंट का उपयोग मकान इमारत ये सब बनाने के लिए होता है। ओके बच्चों इसके बिना दीवार नहीं बनती, तो दीवार चुनने के लिए ईंट का उपयोग होता है, तो ये एक ईंट है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये शब्दों का अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स हमने आज क्या देखा? तो हम आज एक तस्वीर देखते गए, वन बाय वन सारी तस्वीर देखते गए
उसे पहचानते गए कि ये किसकी तस्वीर है और हम उसके नाम लिखते गए। ओके बच्चों, तो आपको ये घर में अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। और वाहनों के नाम हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।